हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप होममेड एंटी एजिंग क्रीम कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा पैसे के खर्च किए। आपको बाज़ार में जो एंटी एजिंग क्रीम मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन आप बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग क्रीम बना सकते हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये एंटी एजिंग क्रीम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या आप बाज़ार से भी खरीदा हुआ एलोवेरा जेल ले सकते हो, या फिर आप घर में बनाया हुआ एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर में एलोवेरा जेल बनाने चाहते हो तो मैं एलोवेरा जेल कैसे बनाते हैं ये बता चुकी हूँ, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एलोवेरा जेल यहाँ पर हमने 2 चम्मच ले लिया है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेने के बाद आपको पता ही है कि एलोवेरा में हमारे स्किन के लिए कितना लाभदायक होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बादाम का तेल भी यूज़ करेंगे। बादाम का तेल आपके स्किन टोन को निखारने के साथ साथ आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। ये आपके स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और यंग लुक देगा। साथ ही साथ हम लोग सिया बटर का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये सिया बटर जो होना चाहिए वो रॉ सिया बटर होना चाहिए, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, या आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, और साथ ही साथ आपके स्किन में जितने भी रिंकल्स, फाइन लाइंस जो भी होंगे, स्किन के दाग धब्बे सारे को ये ख़त्म करेगा। ये सिर्फ आपके स्किन को पूरी तरह से नया लुक देगा, आपके स्किन में नई जान डाल देगा। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गया अगर आप इस नाइट क्रीम का, एंटी एजिंग नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम यहाँ पे लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल यहाँ पे हम ले रहे हैं, और ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आप इसे विटामिन ई की कैप्सूल खा भी सकते हैं, ये भी आपके स्किन को अंदर से और ज़्यादा अच्छा करेगा। आपके बालों के लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे क्रीम को भी बहुत दिनों तक अच्छा रखेगा। आप 2 से 3 महीना इस क्रीम को आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख करके। तो अब इसे क्रीम के रूप में लाने के लिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, आप देखिए ये पूरा क्रीम की तरह लगने लगेगा आपको। और ऐसा आप लगाने पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर पे बनाया है, ऐसा लगेगा कि आपने बाज़ार से ख़रीदा हुआ है, और ये आपके बाज़ार से ख़रीदे हुए क्रीम से कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें आपको पता नहीं रहता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है, कितनी मिक्स है, और ये आप खुद घर में बना रहे हैं वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है, जो कि आपके स्किन को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगा बिना कोई नुकसान के साथ। तो अगर आप इस क्रीम को बनाते हैं तो इसमें आपके स्किन को सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचने वाला है। आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, अगर रात को सोने के टाइम इसका रेगुलर यूज़ कीजिए, और लगाने के बाद देखिएगा आपके स्किन में ये क्रीम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्किन में चिपचिपा रहता है, या फिर वो स्किन को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये पूरे स्किन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन में, जिसके कारण आपके जो स्किन की कलर है, टेक्सचर है, और जो स्किन में जो ऐसा लगता है मुरझायापन है, रिंकल्स कहीं आए हुए हैं, वो उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये क्रीम बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और जो लोग बाज़ार में महंगे महंगे क्रीम खरीदते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ये क्रीम जो आप अपने घर पे खुद बनाएंगे। तो दोस्तों, आप 1000, 2000, 3000 दे के जो बाज़ार में क्रीम खरीदते हो, वो आपके चेहरे पे कुछ महीनों के लिए तो असर दिखाती है जब तक आप उस क्रीम का यूज़ करते हो, लेकिन आप जब भी उस क्रीम का यूज़ करना छोड़ देते हो तो आपका चेहरा जैसा का तैसा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस क्रीम का यूज़ करेंगे रेगुलर, तो आपका चेहरा 10 साल कम नज़र आएगा। चेहरे की जो एज होती है वो आपका 10 साल कम नज़र आएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्रीम आपके स्किन के अंदर से काम करता है, और ये आपके स्किन को सुधारता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल चीज़ है दोस्तों, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरह क्रीम को बनाने के बाद एक डिब्बी में रख लें, और इसके बाद फ्रिज में 3 से 4 महीने के लिए आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं।